देखिए हमारा अचार कितना जूसी, कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। दोनों ही अचार हमारे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। अगर हमने आपको जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताया है, जिस क्वांटिटी में हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, उसी क्वांटिटी में उसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इस अचार को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बनके तैयार होते हैं। साथ ही साथ इसे आप साल भर तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। साल भर तक ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको हमारी ये दोनों ही आंवले के अचार की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। ये 500 ग्राम आंवला है, आधा किलो, इस तरह थोड़े बड़े बड़े साइज़ में और साफ देख के आंवला लें। इन्हें हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, सारे आंवले को अच्छे से धो के। अब इसे हम फ्रीजर में रात भर के लिए रख देंगे, या फिर आप सुबह रख रहे हो तो भी 6 से 7 घंटे के लिए रख दें, जब तक कि बर्फ़ की तरह ये पूरी तरह से जम ना जाए। देखिए ओवन में ये कितनी अच्छी तरह से जम चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल के इस पूरी तरह से इसका ठंडा निकलने देंगे। देखिए आंवला पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आधा किलो आंवला था तो 250-250 ग्राम 2 जगह कर लेंगे इसे हम। इन्हें अब हम इस तरह तोड़ के अलग करेंगे, एक एक फांक इनकी अलग कर ले। देखिए कितनी तरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बड़े आराम से ये फांके अलग हो रही है। इस तरह करने से हमें आंवले को उबालना नहीं पड़ता है। देखिए इस तरह इन्हें अलग करके इसमें कितना पानी निकला है, इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल देंगे ताकि आंवले में जो कसापन होता है, बिटरनेस होता है, वो निकल जाए। देखिए इसमें से कितना पानी निकला है, इसे हम फेंक देंगे। बाकी 250 ग्राम आंवला में हम 200 ग्राम चीनी डालेंगे, इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी एक साइड ढक के रखेंगे। एक घंटे में ये कुछ इस तरह के हो चुके हैं, चीनी पानी छोड़ चुका है। अब आंवले और चीनी को हम एक कढ़ाई में डालेंगे, फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि चीनी पिघल ना जाए। लगातार चलाएं वरना चीनी चिपक जाएगी और अचार ख़राब हो जाएगा। चीनी को पूरी तरह से पिघलने दें। देखिए चीनी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, चीनी को पूरी तरह से पहले पिघलने दें। चीनी पूरी तरह से पिघल चुकी है, एक बार हम फ्लेम को लो में रखेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, ये साबुत सौंफ है, 1/4 चम्मच कलौंजी। इन सबको डाल के अब फ्लेम को मीडियम में करें और इन्हें लगातार चलाते जाएं। ये हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए मीडियम फ्लेम में बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इन्हें बनाएं ताकि हमारे आंवले बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हों। ये हमारी क्वांटिटी बहुत कम है इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम में बना रहे हैं। बीच बीच में चलाते हुए आंवले को अच्छी तरह से बॉयल होने दें, चाशनी को गाढ़ी होने दें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो फ्लेम को मीडियम में रखें और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तब मीडियम को हाई करते हुए उसे बॉयल करें। अगर आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और इन अचार को बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा, साथ ही साथ आप साल भर तक इस अचार को यूज़ कर सकेंगे। साल भर तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। बीच बीच में चलाते हुए इस तरह अच्छे से बॉयल आने दें। अचार बनाते वक्त अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, मसाले कितने डालने हैं, किस फ्लेम पे हमें इसे बॉयल करना है, तो हमारे अचार कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, वो हम साल भर तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। चीनी में अच्छे से इस तरह बॉयल आते रहना चाहिए, चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जानी चाहिए। अगर चाशनी पतली रहेगी तो भी अचार ख़राब हो जाता है। हमारा अचार तैयार है, चाशनी कुछ इस तरह से हो जानी चाहिए। देखिए इतनी गाढ़ी चाशनी हो गई है, स्पैचुला में कितना अच्छा तरह से कोट कर रहा है। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा ना करें, उससे भी हमारा अचार बिल्कुल सूख जाएगा जब ठंडा होगा। तो ये ठंडा होके अभी और गाढ़ा होगा,
अब फ्लेम को बंद करें। आप इस तरह देखेंगे तो देखिए हमारा आंवला थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ग्लॉसी हो गया है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। हम इस तरह से दबाएंगे तो ये सॉफ्ट लगेगा। फ्लेम को बंद करें और इसी चाशनी में, इसी रस में इसे ठंडा होने दें। इसी तरह अब फिर से कढ़ाई में आंवला और गुड़ इन दोनों को भी डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, लगातार चलाएंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। इसके साथ भी इन बातों का ध्यान रखें कि आप किस क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम में रखें, और मेरी तरह अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो लो टू मीडियम करते हुए गुड़ को मेल्ट करें। पहले से इस तरह गुड़ या चीनी इसमें डाल के छोड़ देने से ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। देखिए मेल्ट होना स्टार्ट भी हो चुका है। लगातार चलाएं ताकि गुड़ कढ़ाई में चिपके ना, उलट पलट करते रहें। गुड़ मेल्ट होने पे अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा ना डालें वरना अचार काला हो जाता है कुछ दिन बाद। 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कलौंजी मंगरेला, 1/2 छोटा चम्मच गोल मिर्च को इस तरह क्रश करके डालेंगे। अगर आपको गोल मिर्च नहीं पसंद तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर गुड़ के साथ गोल मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार बना के ज़रूर से देखें, आपको पसंद आएगा। अब फ्लेम को मीडियम में करें और इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से बॉईल करें। अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हो तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इसे बॉईल करें। फ्लेम का ध्यान ज़रूर से रखें वरना हमारे अचार ख़राब हो जाएंगे, आंवला बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अब फ्लेम का ध्यान रखते हुए आप बनाएंगे तो आंवला बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। हमें चाशनी में इस तरह बॉईल आते रहना चाहिए जिससे कि अचार अच्छा बन के तैयार हो। हमारा गुड़ का अचार भी तैयार है। देखिए चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। इसे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें वरना बहुत ज़्यादा सूख के जम जाएगा अचार। बहुत ज़्यादा चाशनी को नरम ही नहीं रखनी है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। बिल्कुल ये इस तरह का होना चाहिए। अब फ्लेम को बंद करें और इसे भी इसी चाशनी में ठंडा होने दें। जब आंवला बॉयल हो जाता है अच्छी तरह से तो देखिए ये कलर भी चेंज हो जाता है इसका, और साथ ही साथ अच्छा ग्लॉसी भी हो जाता है, और इस तरह प्रेस करने से ये हमें सॉफ्ट लगेगा। ये हमारा दोनों ही तरह का बिल्कुल जूसी टेस्टी स्पाइसी खट्टा मीठा आंवला का अचार तैयार है। इसे आप पूरी तरह से ठंडा करके एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रखें। जिस भी जार में आप इसे स्टोर करें वो जार बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो कांच का जार लें। इन्हें इस तरह बनाकर आप साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। गुड़ के अचार को आप 5 से 6 महीने बाहर रख के यूज़ करें, उसके बाद फ्रिज में रख के यूज़ करें। अगर आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे तो आपको सालों भर ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा लगेगा खाने में।